पंजाब दे पेट्रोल पंप मालक बेशक अपने कमिशन नूं लै के केंद्र अते सूबे दी सरकार दे नाल लगातार मीटिंगां करके कमिशन वधाउण दी मंग कर रहे ने, पर इस विचाले कोई मसला हल ना हुंदा देख के हुण पेट्रोल पंप मालकां ने ऐलान किया कि उन्हां दे वल्लों 15 फरवरी नूं नो परचेज का ऐलान किया गया ते इस विचाले सूबे भर दे पेट्रोल पंप मालक उन्हां दे नाल ने। इस तों इलावा उन्हां जिक्र किया है कि 22 फरवरी नूं सूबे भर दे विच पेट्रोल पंप मालक हड़ताल ते रहणगे, जिस दा लोकां दे उत्ते सीधा सीधा असर पवेगा, पर ओह अपणियां मंगां लई पेट्रोल पंप बंद करन लई मजबूर ने। तां इह खबर जो निकल के सामने आ रही है तां इसदा सीधा सीधा असर है जो आम लोकां ते पवेगा, क्योंकि 22 फरवरी नूं सूबे भर दे विच पेट्रोल पंप बंद रहणगे, यानी कि 22 तरीक नूं तुहानूं पेट्रोल जां डीजल नहीं मिलेगा। उन्हां जिक्र किया कि 22 फरवरी नूं उन्हां वल्लों नो सेल दे चलदिआं पेट्रोल पंप बंद रहणगे। इस तों इलावा उन्हां समें दीआं सरकारां तों अपने कमिशन नूं वधाउण दी मंग कीती है। तां इस विचाले क्योंकि किसान अंदोलन चल रहा है, तां किसान अंदोलन दे चलदे जो सरहदां ने ओह सील कीतीआं गईआं ने, जिस दा कारण हुण तक 100 करोड़ तों वध रुपए दा कारोबार प्रभावित होया है। इस तों इलावा सरकारी बसां ना चलण कारण 10 करोड़ रुपए की वध आमदन का नुकसान झलना पै रहा है, क्योंकि किसान अपनी मंगां नूं लै के दिल्ली चलो प्रोग्राम उन्हां दे वल्लों आरंभ किया गया ते किसानां नूं रोकण लई सरकार दे वल्लों भी कई तरह के हथ कंडे अपनाए जा रहे हैं। बॉर्डर सील किए गए हैं, सड़कों पर बैरीकेटिंग की गई है, तो राजधानी दिल्ली नूं भी हर पासे सील कर दिया गया, जिसका असर हर पासे देखा जा रहा है। जिथे हवाई जहाज दीआं टिकटां 5 गुणा महंगीआं हो गईआं ने, तो उत्थे ही लगभग 1000 करोड़ रुपए तो वध दा कारोबार ठप्प होने का खदशा जताया जा रहा है। इस दे कारण सब्जियां ते फलां दीआं कीमतां ते भी महंगाई का असर आने वाले दिनों दे विच देखण नूं मिलेगा। ते अज एक होर खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसके कारण आवाजाई भी प्रभावित हुई है, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस करके सिर्फ अज के दिन ही 50% पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित हुई है। 50% घट डीजल ते पेट्रोल सप्लाई होया, तो इस तों इलावा LPG गैस की सप्लाई दे विच भी 20% की कमी आई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय दे विच ये दिक्कतां वध सकदियां ने, क्योंकि केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां नूं अगे वधण तों रोकण लई जिस तरह बॉर्डर सील किए गए ने, तो बदलवें रूटां का प्रबंध किया गया, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा वध गई है। सारे पासे ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, तो जिसका सीधा सीधा असर हुण पै रहा है, बसां ते असर पै रहा है। जिस तों इलावा हरियाणा सरकार नूं सरकारी बसां ना चलण कारण 10 करोड़ रुपए तो वध दी आमदन का नुकसान झलना पै रहा है। बदलवें रूटां करके लोगों नूं भी दिक्कतां का सामना करना पै रहा है, जो कि उन्हां नूं आउणा जाणा भी महंगा पै रहा है। इस तों इलावा शंभू टोल प्लाजा भी बंद हो गया, जिसके कारण रोज़ाना 50 लाख रुपए की आमदन का नुकसान हो रहा है। तो इस तों इलावा ये कह रहा है कि जेकर सरकार ते किसानां विचाले गलबात छेती ना निबड़ी, तो इसका असर सब्जियों ते फलों ते भी दिखाई देगा, क्योंकि सरहदां सील होने कारण आवाजाई ठप्प है, फलों ते सब्जियों की भारी थोड़ा सकती है। तो पंजाब तो दिल्ली ते इस तरह ही आने वाले सैकड़े ट्रक सड़कों ते फसे हुए ने, ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा हो गया। जलंधर तो निकलने वाला ट्रक दिल्ली नहीं पहुँच रहे। ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि जेकर अंदोलन इसे तरह जारी रहा तो हर रोज़ 500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। तो इस विचाले क्योंकि पेट्रोल डीजल की सप्लाई पहला ही प्रभावित हुई है जिस तरह अज, तो इस ही पेट्रोल पंप मालकों द्वारा उन्होंने कमिशन वधाने लैके 22 तरीक न पेट्रोल पंप बंद कर ऐलान किया गया, जाने कि 22 तरीक न भी आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पवेगा। तो इस खबर की भिनक पैंदा ही हुने ही जो तेल पवाने लंबिया लंबिया लाइन पेट्रोल पंपा लग चुकिया ने।